अगर आज हम किसी से पूछें तो शेक्सपियर को शायद बहुत से लोग जानते होंगे, विलियम्स वर्ड्सवर्थ को भी बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, निकल्सन को भी बहुत से लोगों ने जाना होगा, लेकिन हमारी जो ये नई पौद है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे बाल ज़रा जल्दी थोड़े सफ़ेद हो गए, हमें इकबाल से कोई इतना ख़ास तारुफ़ कभी रहा नहीं, हमने सिर्फ लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी तक इकबाल को समझाए सुनाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप चेंज की बात कर रहे होते हैं, भी यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं यंग पीपल, जिसमें नसीम हैं, अरसलान हैं, यासिर हैं, दे आर पीपल हु आर ड्राइविंग चेंज इन दिस कंट्री, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उन लोगों को ज़रूर पढ़ें, उनको ज़रूर समझें जिन्होंने एक बुनियाद रखी हो। इकबाल ने ख़ुद अपने बारे में ये कहा कि मैंने कभी अपने आप को शायर नहीं समझा, फ़न शायरी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही, हाँ बाज़ मकासद ख़ास रखता हूँ जिनके बयान के लिए हालात और रवायात की रूह से मैंने नज़्म का तरीका अख्तियार किया। इतना बड़ा बुलंद पाया शायर हो और वह अपने आप को शोरा की उसमें मद में रखे ही ना, ये बहुत मॉडेस्टी की बात है। हमारे साथ आज आना था हुमैरा गज़नवी साहिबा ने, लेकिन उनकी तबीयत ज़रा कुछ नासाज रही तो वो आ नहीं पाईं, तो जिसके लिए अगर कुछ अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो उसकी मैं माफ़ी पहले से चाहता हूँ। इकबाल और कायद आज़म का भी एक रिलेशनशिप रहा, और कायद आज़म जैसी एक शख्सियत ने इकबाल के बारे में कहा कि इकबाल की अदबी शख्सियत आलमगीर है, वो बड़े अदीब बुलंद पाया शायर और मुफक्कर आज़म थे, लेकिन इस हकीकत को मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़े सियासतदान भी थे। मरहूम दौरे हाज़र में इस्लाम के बेहतरीन शारे थे, क्योंकि इस ज़माने में इकबाल से बेहतर इस्लाम को किसी ने नहीं जाना। मुझे इस अमर का फ़ख्र हासिल है कि उनकी क़यादत में एक सिपाही की हैसियत से काम करने का मुझे मौका मिला। मैंने उनसे ज़्यादा वफादार रफ़ीक और इस्लाम का शैदाई नहीं देखा। निकल्सन ने कहा कि इकबाल की शायरी ने नौजवान मुसलमानों में बेदारी पैदा कर दी है, और बाज ने यहाँ तक कह दिया है कि जिस मसीहा का इंतज़ार था वो आ गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उनके बारे में कहा कि डॉक्टर इकबाल अपनी वफात से हमारे अदब में ऐसी जगह खाली कर गए हैं जिसका घाव मुद्दत में भी मुंदमिल नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का रुतबा आज दुनिया में इतना कम पाया है कि हम किसी हालत में ऐसे शायर की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते जिनके कलाम ने आलमगीर मकबूलियत हासिल की हो। मैं अपने साथ एक कागज़ भी लेकर आया था जिसमें इकबाल के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या ज़्यादा तालीम हासिल की, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें टेक्स्ट बुक में मिलती रहती हैं, तो ये हम अपने फारिग औकात में भी इनको पढ़ सकते हैं। मैं इस बात पर सिक्का बंद हूँ कि अगर आपने किसी इंसान के बारे में जानना हो तो उसके जो खादिम हैं उनसे पूछें कि उनके साथ क्या रिलेशनशिप रही। अलामा इकबाल के खादिम थे अली बख्श, जो उनके ख़ास मुलाजिम थे, उनसे एक इंटरव्यू में कुछ बातचीत की गई कि इकबाल कैसे शख्स थे, वो कैसे आदमी थे, और उन्होंने बड़ी मज़ेदार कुछ बातें बताईं। तो एक इंटरव्यू जो है अली बख्श साहब के साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सवाल है, फिर उसके बाद जवाब है, फिर सवाल है, फिर जवाब है। और पहला सवाल ये है कि इकबाल सुबह को अमूमन कब बेदार होते थे? तो उन्होंने कहा कि बहुत सवेरे। सच्ची बात यह है कि वो बहुत कम ख्वाब थे, नमाज फजर की बहुत पाबंदी करते थे और नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते थे। ये बातें हमने कभी सुनी नहीं है उनके बारे में, ये बातें हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं हैं। तो अभी का जो एक इंटरव्यू है, जब मैंने ये पहली दफ़ा पढ़ा तो मेरी वाकई में इकबाल से मुलाकात हुई,
और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा शर्फ था ये. सो आई एम श्योर कि आप भी जब इसको सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे आपकी गोया इकबाल से ख़ुद एक मुलाकात हो रही है. वो कुरान के संदाज में पढ़ते थे. जब तक उनकी आवाज़ बीमारी से मुतासर नहीं हुई थी वो कुरान की तिलावत बुलंद आहंग में खुश इल्हानी से करते थे. आवाज़ बैठ गई तो भी कुरान पढ़ते ज़रूर थे मगर बुलंद आवाज़ से नहीं. नमाज और तिलावत से फारिग होकर क्या करते थे? आराम कुर्सी पर दराज हो जाते, मैं हुक्का तैयार करके ले आता, हुक्के से शुगल करते हुए उस रोज़ के अदालती केसों के खुलासों पर नज़र डालते थे. उस दौरान मैं गाह गाह शेर की आमद भी होने लगती थी. आप कैसे पहचानते थे कि अल्लामा पर शेर गोई की कैफियत तारी हो रही है? वो मुझे पुकारते थे या ताली बजाते थे और कहते थे मेरी ब्याज और कलमदान ले आओ. मैं ये चीज़ें ले आता तो वो अशार लिख लेते. इत्मीनान ना होता तो बहुत बेचैन हो जाते. शेर गोई के दौरान में अक्सर कुरान मजीद लाने को कहते. शेर गोई के अलावा भी दिन में कई बार मुझे बुलाकर कुरान मजीद लाने की हिदायत करते रहते थे. अदालत जाने का वक्त अमूमन क्या होता था? अदालती औकात से 10-15 मिनट कबल रवाना होते थे, पहले बग्घी में और आखिरी ज़माने में गाड़ी ख़रीद ली थी. क्या वो घर पर भी अदालत का काम करते थे? अगले रोज़ के मुकदमात से मुतल्लिक कागजात पर नज़र डालने के सिवा और कुछ नहीं. वकालत का क्या आलम था? बहुत काम करते थे या थोड़ा काम करते थे? वकालत में एक हद से ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ नहीं होने देते थे. आम तौर पर यूं था कि 500 रुपए की बराबर फीस के केस आ जाते तो मज़ीद केस नहीं लेते थे. दीगर साइलिन को अगले माह आने का कहते थे और अगर महीने के पहले 3-4 दिनों में 400-500 रुपए का काम मुकम्मल हो जाता तो बाकी सारा महीना मज़ीद एक भी केस नहीं लेते थे. ये 500 रुपए की हद क्यों लगाई गई थी? उनका तखमीना था कि उन्हें महाना अखराजात के लिए इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ही नहीं है. इस ज़माने में इस रकम में घर का किराया, नौकरों की तनख्वाहें, मुंशी की तनख्वाह और घर के अमूमी अखराजात सब शामिल थे. ये उन दिनों की बात है जब अल्लामा साहब अनारकली और मैक्लोड रोड पर रहा करते थे. अल्लामा साहब ने कितने अरसे वकालत की? जब तक उन्हें गले की बीमारी लाहक नहीं हुई थी वकालत करते रहे. ये अंदाजन 1932 से 1933 का ज़माना था. तो गले की बीमारी कैसे शुरू हुई? वो ईद की नमाज़ पढ़ने गए, सर्दी का मौसम था, घर वापस आकर सवैयों पर दही डालकर खाया जो उन्हें बहुत मरगूब था. अगले ही रोज़ गले की तकलीफ़ शुरू हो गई. उस रात के 2-2.5 बजे के तक खांसते रहे और अगले दिन उनकी आवाज़ बैठ गई और वफात तक फिर यही कैफियत रही. अब ज़रा इनके रोज़मर्रा के मामूल पर बात हो जाए तो अदालत से लौट कर आते तो क्या करते थे? सबसे पहले तो मुझे कहते थे मेरा लिबास तब्दील कराओ. रस्मी दफ्तरी लिबास उन्हें कभी पसंद ना था. अदालत जाने के लिए मजबूरन पहन लेते थे और घर आते ही सबसे पहले इससे छुटकारा हासिल करते थे. लिबास बदल कर क्या करते थे? अगर शेर कहना होते तो उसके लिए हिस्बे मामूल, ब्याज, कलमदान और कुरान मजीद लाने को कहते. क्या वो अपनी वकालत पर संजीदगी से तवज्जो देते थे? अगर अगले दिन अदालत में कोई मुकदमा होता तो इस मुकदमे की मसल देख लेते थे, वरना मुकदमे के काम में अपने आप को उलझाते ना थे. तो दोपहर में सोने की आदत थी? मामूल तो नहीं था लेकिन कभी कभार सो जाया करते थे. उनकी नींद कैसी थी? नींद ज़रा कच्ची थी, ज़रा सी आवाज़ से चौंक जाते थे. जिस्मानी तकलीफ़ और बेआरामी बर्दाश्त करने में कैसे थे? बहुत नरम दिल थे, तकलीफ़ की बर्दाश्त बहुत कम थी. किसी और को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे, खून बहता देखने की बिल्कुल ताब ना थी. एक मर्तबा पाँव पर भीड़ ने काट लिया, उससे वो ऐसे लाचार हुए कि हरकत करने के लिए भी मेरे सहारे की ज़रूरत महसूस होने लगी.
एक मर्तबा जावेद को बचपन में अबरू के करीब चोट लगी, जैसे थोड़ा सा खून बह निकला, तो अल्लामा को गश आ गया। खाना किस वक्त खाते थे? 12-1 बजे के दरमियान ही एक मर्तबा खाना खाते थे, रात के खाने का मामूल ना था। तो खाने में क्या पसंद था? पुलाव, माश की दाल, कीमे भरे करेले और खुशका। खाने पर कई तरह की ग़ज़ाएँ होती थीं क्या? जी नहीं, एक वक्त में ज़्यादा खाना खाते थे और खुराक खासी कम थी। किसी ख़ास खाने को नापसंद करते थे? जी हाँ, सिरी पाए और टींडे गोश्त को बहुत नापसंद करते थे। वर्जिश किया करते थे? इब्तिदा में तो वर्जिश करते थे, अनारकली के क़याम तक ये मामूल रहा, उसके बाद वर्जिश छूट गई। खेलों से दिलचस्पी थी, कुश्तियों के दंगल शौक से देखते थे। दीगर दिलचस्पियां क्या थीं? शुरू के दिनों में कबूतर पालने का शौक रहा, कभी कभार ताश भी खेल लेते थे। शाम को कभी बाहर जाया करते थे? शाम को कहीं बाहर निकलना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन था। जिस ज़माने में क़याम भाटी दरवाज़े के अंदर था, तो हकीम शहबाजुद्दीन के घर के बाहर के चबूतरे तक तो टहल लेते थे। कभी कभार सर ज़ुल्फ़िकार अली अपनी मोटर लेकर आ जाते और उन्हें बाहर घुमाने ले जाते थे। रात को सोते किस वक्त थे? शाम को अहबाब की महफिल जमती थी। चौधरी मोहम्मद हुसैन हमेशा सबसे आखिर में रुख्सत होते थे। मजलिस अमूमन 10 बजे के करीब बर्खास्त हो जाती थी और उसके बाद अल्लामा चौधरी मोहम्मद हुसैन के साथ बैठकर उन्हें उस रोज़ के ताज़ा अशार सुनाया करते थे। चौधरी साहब अमूमन कितनी देर वहाँ पर ठहरते थे? रात के 12-1 बजे तक तो ठहरते थे, उसके बाद डॉक्टर साहब सोने के लिए लेट जाते थे, लेकिन बमुश्किल 2-3 घंटे सोकर तहज्जुद के लिए बेदार हो जाते थे। तैश में आते थे या नहीं? बहुत नरम दिल और तबीयत के मेहरबान थे, शाज़ो नाज़िर ही कभी गुस्सा आया था, लेकिन अगर इश्तेआल में आ जाते तो अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। मुझे उनकी नरम दिली का एक वाक़या याद है। एक मर्तबा घर में चोर घुस आया, हम में से किसी ने पकड़ के उसकी पिटाई कर दी, तो अल्लामा इकबाल ने उसका हाथ रोक दिया और कहा, चोर को मत पीटो। यही नहीं बल्कि उसको खाना खिलाया और आज़ाद कर दिया। तहज्जुद पाबंदी से पढ़ते थे? जी हाँ, बिल्कुल पाबंदी से पढ़ते थे। तहज्जुद के बाद के क्या मामूल थे? उसके बाद ज़रा देर को लेट जाते थे। फजर की जब अजान का वक्त होता था तो नमाज के लिए उठ खड़े होते थे। और क्या शेर की आमद रात को भी होती थी? जी हाँ, रातों को भी शेर गोई करते थे। अमूमन ये कैफियत उन पर रात के 2 और 2:30 के दरमियान तारी हो जाती थी। जब भी ऐसा होता था, मुझे आवाज़ देकर ब्याज और कलमदान तलब करते थे। ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बादाओ जा मैं साकी। ला फिर एक बार वही, बादाओ जा मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। ला फिर एक बार वही।